पाटन में दो पक्षों में हुई मारपीट, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, आरोपियों को पुलिस ने की गिरफ्तार। टेंट हाउस में लगी भीचड़ आग, आग में लाखों रुपए की सामग्री जलकर खाक, मामला बुरहानपुर जिले के शाहपुर का। इच्छापुर किलर हाईवे ने ली युवक की जान, मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से है। कभी डॉक्टर कुमार विश्वास पहुंचे अपने मामा के गांव फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में, मंचिया कार्यक्रम में हुए शामिल, आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के नाम किया काव्य पाठ। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर पशु विभाग तैयारी में जुटा, डॉक्टर आशीष रावत ने कहा घोड़े खच्चरों के धक्के से कई यात्रियों की लगती है चोट, कई बार पशु पूजा करने वालों पर कड़ी नजर। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ NSA शिविर का हुआ शुरू, वेस्ट ग्राम प्रधान मंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। बुरहानपुर के नावरा वन परिक्षेत्र के जंगलों में घुसे 200 से ज्यादा अतिक्रमणकारी, जंगल में ही मनाए होली का त्योहार। उत्तराखंड के 22 वर्ष बाद भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी न बनाने को लेकर आंदोलन की तैयारी की, आंदोलनकारियों ने एक रथ की शुरुआत अल्मोड़ा के चौखन पाटा से की। छतरपुर में एक व्यक्ति पर भालू ने किया हमला, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। भिंड जिले के रोहन कस्बे में ब्रह्मचारी बगिया समिति ने प्राचीन दंगल का कराया आयोजन, कुश्ती देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। बालोद जिला में संस्कृति और सभ्यता का बीजोड़ मिसाल करता था पेश, राधा कृष्ण की अमर रास लीला की कहानी को धूमधाम से मनाई जाने की पौराणिक परंपरा है। माता आपती की परिक्रमा साइकिल यात्रियों ने बुरहानपुर के राजघाट से की शुरू, जहां पूर्व पहुंचने पर तीनों साइकिल यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले धामी, ज्वलंत मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से सीएम धामी ने की मुलाकात, केंद्र से मांगी 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का विरोध, अपर मुख्य सचिव ने ली बैठक, बैठक में होटल व्यवसायी समेत टूर ऑपरेटर्स हुए शामिल। गैरसैंण के लिए अधिकारी कर्मचारी रवाना, 13 से 18 मार्च तक चलेगा सत्र, सत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की लगाई ड्यूटी। दर्शनार्थियों के लिए पर्यटन विकास परिषद की कवायद शुरू, दर्शन के एक एक घंटे के स्लॉट पर दिए जाएंगे टोकन, 4 घंटे के लिए होगा मान्य। पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा आज बजट का वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित। सिसोदिया 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में, 7 आरोपियों के साथ पूछताछ करेगी एजेंसी, सीबीआई के केस में जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई। H3N2 इन्फ्लुएंजा से देश में 2 मरीजों की मौत, अब तक 3038 केस आए सामने। भूपेश बघेल ने दिया पीएम मोदी को खास तोहफा, मेट्रो चलाने और जनगणना पर हुई बात। शी जिनपिंग के करीबी ली कियांग बने चीन के प्रधानमंत्री, चीन के पॉलिटिकल सिस्टम में ये नंबर 2 की पोजीशन पर। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, मेट्रो चलाने और जनगणना पर भी बात। अमन सिंह को कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने भी एफआईआर रद्द करने के आदेश को किया निरस्त। केरल में 54 डिग्री जैसी गर्मी, मार्च में तापमान 50 डिग्री के पार, अभी से लू, हीट स्ट्रोक का बड़ा खतरा।